झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 मोबाइल फोन भी इनके कब्जे से पुलिस ने किए बरामद। चमक धमक भरी दुनिया में अपने शौक पूरे करने के लिए आज युवा पीढ़ी जुर्म की दुनिया में धंसती जा रही है। इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब झांसी पुलिस ने बदमाशों के गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनकी उम्र लगभग 19 से लेकर के 22 तक की बताई जा रही है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी के कई मोबाइल और सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। ये एक अंतरप्रांतीय, यहाँ पर चूँकि मध्य प्रदेश से सीमाएं सटी हुई हैं और तमाम अपराधियों के गैंग ऐसे पकड़े जा रहे हैं जिनका पुराना आपराधिक इतिहास है और वो मध्य प्रदेश के भी अन्य जनपदों में, दतिया में, शिवपुरी में और निवाड़ी में भी तमाम आपराधिक घटनाओं को करना इनके द्वारा बताया गया है। अब हम लोग उस संबंधित जनपदों से संपर्क कर रहे हैं, उनके यहाँ पर उन घटनाओं को तस्दीक करेंगे, उनके वादियों को बुलाएंगे। अभी तक जो सीपरी थाना क्षेत्र की जो 7 मोबाइल हमने कनेक्ट किए हैं और 10 मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं, अभी जनपद के और थानों से भी पता किया जा रहा है। तो काफ़ी संख्या में इन्होंने चोरियाँ की, अभी निश्चित संख्या बता पाना मुश्किल होगा, बट काफ़ी सारी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। सर, आपके गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने की चोरी करते थे या अपना जेब खर्च करने के लिए? ये अभी इस विषय पर अभी गहन विवेचना और जांच प्रचलित है कि किन कारणों से मोटिव क्या है, बट जो पंकज रायकवार है इसका एक आपराधिक इतिहास है। ये शातिर चोर है और ये पहले भी थाना सीपरी से 2016 में, 2017 में, 2015 में, 2018 में ये जेल जा चुका है और नए गैंग्स को ये शामिल करते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है पैरोल पे छूटा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पैरोल पे छूटा हुआ है, तो अब हमारी निगाह पैरोल पे जो छूटे हुए अपराधी हैं ऐसे गैंग्स पर, जो पैरोल अभी पूर्व में भी हम लोगों ने 2 गैंग ऐसे भेजे हैं जिससे पैरोल पे छूटे हुए अपराधियों का सम्मिलित होना प्रकाश में आया है, तो हम पैरोल पे छूटे हुए अपराधियों पर विशेष शिकंजा कसने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। अभियान हमारा चल रहा है और उसी के तहत ये सफलता पुलिस को प्राप्त हुई। जी, इसी दौरान छोड़े। तो एमपी के जो अपराधी हैं, ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं झांसी उनके छिपने के मुख्य साबित हो रहा है? नहीं, साबित नहीं हो रहा है। झांसी पुलिस जो भी इस प्रकार के अपराधी हैं, देखिए अभी ये इंदौर का इनामिया था 10,000 का, अंसार को जो हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, तो झांसी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है और ऐसे अपराधी जो बहुत लंबे समय तक पकड़े नहीं गए थे, यहाँ पर जनपद में घूम रहे थे, घटनाएं कर रहे थे, मध्य प्रदेश में तमाम घटनाएं कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कस करके उस गैंग को हम लोगों ने बस करने का, गिरफ्तार करने का काम किया।